माई डियर स्टूडेंट आई एम स्टार्टिंग थकल क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर थर्टीन आई हैव डिस्कस न्यूमेरिकल पोर्सन ऑलरेडी इन वीडियो थर्ड तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का पेज 156 पर जहाँ लिखा हुआ है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन सर्क्यूलर और एसिलिटी मोशन तो सबसे पहले जानना ही जरूरी है कि भाई स्ट्रेट लाइन कैसी होती हैं जो सीधी रेखा में चलती हैं सर्कुलर क्या होती हैं जो सर्कल के रूप में चलती हैं सर्कुलर पाथ पर चलती हैं ऑसिलेटरी का मतलब अपने मार्ग को बार बार दोहराती हैं रिपीट करती हैं तो पहला है आपको बस ये लिखना है कि इनमें है कौन सी स्ट्रेट लाइन है सर्कुलर है या ऑसिलेटरी है मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग जब आप दौड़ रहे हैं तो जब आप हाथ चलाते हैं तो वो एक तरह से एक ही एक मतलब तो उसी रास्ते में जैसे झूला झूलता है पेंडुलम चलता है इस तरह चलता है तो ऑसिलेटरी मोशन हो गई सेकेंड देखिए मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्टेट सीधी रेखा सीधी रोड पर एक घोड़ा गाड़ी खींच रहा है तो ये कैसी हुई स्ट्रेट लाइन मोशन फिर है मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन मैरी गो राउंड जो गोल गोल घूमते हैं झूले उनकी गति कैसी होती है सर्कुलर मोशन तो आप सर्कुलर मोशन लिख देंगे फिर फोर्थ में देखिए मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए शीशा शीशा ऐसा होता है जो बार बार अपने पथ को रिपीट करता है अपने रूट को रिपीट करता रहता है तो ये ओसीलेट्री मोशन हो गई कैसी मोशन ओसीटरी फिफ्थ तो देखिए मोशन ऑफ ए हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल जो एलेक्ट्रिकल बेल का जो हैमर होता है वो अपने उसको रिपीट करता है पथ को बार 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 तो रिपीटिंग मोशन है इसलिए ऑसिलेटरी मोशन है मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्टेट ब्रिज एक सीधे ब्रज पर रेलगाड़ी की गति तो सीधा है इसलिए स्टेट स्टेट लाइन मोशन हुई बच्चों ये। तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन बस आपको ये लिखना है किस टाइप की मोशन है ये सेकंड क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट इनमें कौन सा सही नहीं है द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड ठीक है मैंने यही पढ़ाया था आपको सेकंड एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड नहीं अलग अलग चाल से चलती है हर वस्तु कोई धीमी चलती है कोई तेज चलती है तो ये रॉन्ग है बेटा सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर करेक्ट बड़ी बड़ी दूरियाँ किलोमीटर में नापी जाती हैं इसलिए किलोमीटर ठीक है फिर फोर्थ में द टाइम पीरियड ऑफ ए गिविन पेंडुलम इज़ नॉट कॉन्स्टेंट टाइम पीरियड जो होता है किसी पेंडुलम का वो कॉन्स्टेंट नहीं होता है तो ये कॉन्स्टेंट होता है इसलिए गलत है नोट नहीं आना चाहिए था फिर है द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ एक्सप्रेस इन मीटर पर सेकेंड नहीं मीटर पर सेकेंड नहीं ट्रेन बड़ी दूरियों के लिए होती हैं लगभग तो किलोमीटर पर आवर में इन्हें इंडिकेट किया था तो ये भी गलत है बच्चों ठीक है तो इस तरह से आपका सेकंड रोंग है और फोर्थ रोंग है और फिफ्थ रॉन्ग है मैंने थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ आपको करा दिए अब क्वेश्चन एट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट इनमें कौन सा रिलेशन ठीक है तो बच्चों इसका सेकेंड पार्ट है स्पीड इज कल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ये वाला ठीक है अब क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखें द बेसिक यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड फोर्थ ठीक है बेटे ये मैंने करा करा दिया दिया भी ट्वेल्थ देखें फिगर थर्टीन पॉइंट फिफ्टीन सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द टू व्हीकल्स ए एंड बी विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर इनमें से कौन सा तेज चल रहा है आप देख रहे हैं कि जो एक तो बी व्हीकल है एक ए व्हीकल्स है ए इससे ऊपर है इसका मतलब इसने सेम डिस्टेंस को कम समय में कवर कर लिया इसलिए जो ए डिस्टेंस ए जो वही क्या बोलते हैं व्हीकल्स है ए व्हीकल्स जो है वो फास्टर है देन बी ठीक है क्योंकि इट कवर द डिस्टेंस इन लेस टाइम मोर डिस्टेंस इन लेस टाइम यानी कि आ, इसने कम समय में डिस्टेंस को कवर किया इसलिए ए आंसर करेक्ट बेटे तो ये आप डायग्राम बनाएंगे और प्लस नीचे लिख देंगे व्हीकल्स ए क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो ए ट्रक मूविंग विद स्पीड विच इज नॉट कॉन्स्टेंट यानी कि जो कांस्टेंट नहीं है मैंने कहा था कि सीधी लाइन में जो चीज़ें चलती हैं जो सीधी जिनका ग्राफ प्राप्त होता है वो एक तरह से कांस्टेंट होती है ये भी कांस्टेंट है बेटा ये भी सीधी रेखा है इसलिए ये भी कांस्टेंट है हमेशा ध्यान रखिए टाइम नीचे एक्स एक्सेस पर और डिस्टेंस वाई एक्सेस पर आते हैं फिर थर्ड में देखिए कि यहाँ टाइम है यहाँ डिस्टेंस है तो ये एक सीधी रेखा नहीं है इसलिए यही आंसर है ये कांस्टेंट नहीं है समझे नहीं ये मोशन कांस्टेंट नहीं है इसलिए सीधी रेखा नहीं है तो थर्ड आंसर है ये भी सीधी रेखा है ये भी नहीं है केवल थर्ड ही है, ऐसा ग्राफ है जो दिखा रहा है कि कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं है इसमें और यही पूछा गया नॉट कॉन्स्टेंट बताइए तो थर्ड इसका आंसर आ जाएगा तो अब इसमें भी आप चित्र बना सकते हैं और उनके नीचे फिर लिख दें कि आंसर नंबर थर्ड तो अब देखिए अब आप आ जाएंगे कि कुछ डेफिनेशन हैं इस चैप्टर में जो आपको मैं अभी बताता हूँ पेज नंबर वन फोर फोर पेज नंबर वन फोर फोर यहाँ रेड से लिखा हुआ है स्पीड स्पीड का सेकंड पैराग्राफ देखिए और यहाँ ब्लैक से लिखा हुआ है स्पीड इससे थर्ड लाइन ऊपर आइए द डिस्टेंस यहाँ से कहाँ से द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड या एज ए एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पीड की डेफिनेशन हो गई बेटा फिर एवरेज स्पीड की नेक्स्ट पेज पर वन फोर्टी फाइव पेज पर देखें जो डार्क ब्लैक में लिखा हुआ है वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर द एवरेज स्पीड सो फॉर आस द स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन है स्पीड इज कल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन ये बेटा एवरेज स्पीड डाल करके हेडिंग और ये सिया से लेके कर यहाँ तक लिख लेंगे आप फिर आ जाएंगे आप ये नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मैंने ब्लैक बोर्ड पर भी लिखवाया चाहे तो ब्लैक बोर्ड से लिख लो चाहे जो इसमें लिखा हुआ है तो ये लिख लो इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन की चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन यहाँ से लेके है ना कहाँ से लेके जहाँ से निशान लगा हुआ है यहाँ से और यहाँ तक लिख लेंगे और हेडिंग क्या डालेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन फिर दूसरा हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म मोशन और ये यह लिखेंगे यहाँ से एन ऑब्जेक्ट मूविंग एलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन ये यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन हो गई यहां से लेके यहां तक ठीक है नॉन यूनिफॉर्म की यहां से लेके यहां तक ठीक है तो समझ गए होंगे आप अब देखिए बेटा पेज 146 पर देखिए यहां ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटलिक बाल और ए पीस ऑफ स्टोन सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड स्टैंड बाय ए थ्रेड द मेटलिक बॉल इज कॉल्ड बॉब ऑफ द पेंडुलम ए सिंपल पेंडुलम है डालो और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा लिख लो। ठीक है बेटा अच्छा और ये जो है चित्र इसी के साथ बना लो ये दोनों 13.4 और 13.4 का ए है ये बी है यानी दोनों चित्र ये भी और ये भी अब देखिए नेक्स्ट है यहां से द एंड एंड्रो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन यहां से लेकर के यहां तक ऑसिलेटरी मोशन या पीरियडिक मोशन हेडिंग डाल करके लिख लेंगे आप अब देखिए सेकंड साइड में द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड हेडिंग डाल लो और यहां से लेके यहां तक लिख लीजिए आप ठीक है बेटा देखिए पेज 150 पर 150 पेज पर इधर साइड में चाहे स्पीडोमीटर लिखा है उससे थर्ड लाइन ऊपर वन ऑफ द मीटर हैज़ किलोमीटर पर आवर रिटेन एट द वन कॉर्नर दिस इज कॉल्ड ए स्पीडोमीटर समझे अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखो और हेडिंग डालो स्पीडोमीटर ठीक है अब सेकेंड पेज पर वन फिफ्टी वन एक सौ इक्यावन पेज देखिए मीटर दैट मेजोर द डिस्टेंस मूड बाई द व्हीकल्स दिस मीटर इज नोन एज एन ऑडोमीटर ये ऑडोमीटर हेडिंग डाल लीजिए और यहां से लेके यहां तक इसको लिख लेंगे बेटा अब देखिए डेफिनेशन तो ये हुई अब डायग्राम डेफिशन आप लिख भी सकते हैं और निशान भी लगा सकते हैं मगर याद करनी है देखिए फिगर पेज 145 से शुरू है बेटा ये क्लॉक है सम कॉमन क्लॉक तो वाल क्लॉक भी बनानी है टेबल क्लॉक भी डिजिटल क्लॉक भी ये तीनों घड़ियां आपको बनानी है ये मैं पहले बताता हूँ पहले बता चुका हूँ कि ये 13.4 का ए बी और बी बी दोनों बना लेना द डैश बोर्ड ऑफ अ कार ये ये दोनों डायग्राम आप बना लेंगे डैश बोर्ड के ठीक है बेटा पेज 152 पर टेबल 13.6 है द मोशन ऑफ अ कार ये टेबल बनाओ फिर और खाली पेज पर ये वाला डायग्राम बनाओ 13.13, समझे थर्टीन पॉइंट थर्टीन ये वाला डायग्राम और एक थर्टीन वाला दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर बच्चों अच्छी तरीके से समझें जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे फोन करके संपर्क कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं थैंक यू